दीपावली और छठ पूजा को देखकर रेलवे ने तैयारियां की थी। तैयारियां कितनी कारगर हुई है इसको लेकर कानपुर सेंट्रल में एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने रियलिटी चेक किया है। छठ पूजा को लेकर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ यात्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं। रेलवे के छठ स्पेशल ट्रेनों के बारे में जब हमने छठ पूजा के लिए जा रहे कुछ यात्रियों से बात की, तो जहां कुछ यात्रियों ने रेलवे कैसे काम को लेकर संतुष्ट जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ यात्रियों ने बताया कि ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि चंडीगढ़ से लेकर कानपुर तक फर्श पर लेट कर आए हैं, तो वहीं कुछ यात्री दरवाजों पर लटक कर आए हैं। हालात ये थे कि ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। भीड़ बकरियों की तरह लोग एक के ऊपर एक लदे हुए थे। वहीं कुछ लोग टॉयलेट में भी बैठे नजर आए। यात्री इमरजेंसी खिड़कियों को दरवाजों के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं कर रहे थे। वहीं किसी हालात में अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे और सपनों के बीच छठ का पर्व मनाने के लिए कोई भी परेशानी मुसीबत झेलने को तैयार दिखे। दिवाली खत्म होने के बाद छठ पूजा की तैयारी में अब लोग अपने घर को जा रहे हैं और कुछ लोग अपने काम को वापस जा रहे हैं। इसमें रेलवे प्रशासन ने कितनी तैयारी की थी? हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बिहार के लिए जा रहे हैं और छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? लाल बाबू शर्मा। लाल बाबू, ये बता दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कहे के लिए जा रहे हैं? अब हम छठ पूजा तो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, तो पूजा के वास्ते यहाँ से जा रहे हैं, तो हमरा बिहार में पहुंचना जरूरी है, तो गोरखपुर से अपना गाड़ी चेंज करेंगे, लेकिन यही से गाड़ी समय से नहीं मिल पा रही है, भीड़ में चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? रेलवे ने जो जो तैयारियां की थी त्योहारों को देखते, आपको लगता है काफी है ना काफी है? वो काफी है। आपको जगह ट्रेन में मिल रही है आराम से? वहाँ से तो बड़ी आराम से आए हैं, यहाँ देखिए फिर गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ देखिए कुछ और भी लोग हैं जो बिहार को जा रहे हैं, ये भाई साहब देखिए बैठे हैं। ये क्या नाम है आपका भैया? जय प्रकाश। राम जय प्रकाश जी, आप बिहार जा रहे हैं छठ पूजा में जा रहे हैं, तो छठ पूजा में लेकर रेलवे ने कितनी तैयारी की थी, आपको लगता है काफी है ना काफी है? नहीं काफी है जी, मगर भीड़ चल रही है गाड़ी में, थोड़ा हम लोग का वो दिक्कत होता है, गाड़ी में बहुत भीड़ चल रही है इस टाइम। तो छठ पूजा के लिए जा रहे हैं अभी आप? हाँ जी, बिहार जाएंगे। हाँ बिहार जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो चंडीगढ़ से आप कैसे आए, किन हालात में आए? आए थोड़ा भीड़ मिला है गाड़ी में, भीड़ मिली थी। हाँ बहुत भीड़ मिली, सीट नहीं मिला है। हाँ ऐसे तो नीचे बैठ के आए हैं। अच्छा, शरीर के ऊपर शरीर चढ़ा हुआ था, तो बुरी हालत थी। कहाँ था? हाँ बुरी हालत है। क्या नाम है आपका भैया? रामदेव। रामदेव कहाँ जा रहे हैं? दोनों उठ के जा, हम जा रहे हैं बिहार। बिहार जा रहे हैं छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। तो आपको ट्रेन में जगह मिल रही है? जगह तो बहुत मिला, जगह बहुत परेशानी से आए, बहुत दिक्कत है। हाँ लेकिन पहुँचना है तो पहुँचना है, यहाँ भी देखते हैं, ये कसम खा लिए, पहुँचना है तो पहुँचना है, छठ पूजा घर ही में करेंगे चाहे जैसे जाए। अच्छा यही सब बात है, सच्ची बात नहीं। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो बिहार के लिए जा रहे अपने छठ पूजा को और अपने लोगों के साथ अपने त्योहार को मनाएंगे। एक्सप्रेस न्यूज भारत, सुहेल अंसारी, कानपुर।